हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ, मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। नाउ आई शैल डिस्कस हियर पैरेलल लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। पैरेलल लाइन और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम इसमें कुछ एंगल्स पढ़ते हैं। जैसे सपोज आपके पास क्या है, होज इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज आपके पास क्या है, कोई लाइन है, ऐसी कोई लाइन है, और ये आपके पास क्या है, कोई दूसरी लाइन है। यहाँ पर ए और बी आपके पास क्या कोई लाइन है, सी और डी क्या है कोई लाइन है, आपके पास क्या है कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पर काटती है। ये सपोज कोई लाइन एल है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं काउंटिंग कर देता हूँ। से वन, इसे आपने क्या है टू नेमिंग कर दिया, यहाँ से आपने थ्री नेमिंग कर दिया, यहाँ से आपने क्या कर दिया फोर नेमिंग कर दिया, यहाँ से आपने फाइव नेमिंग कर दिया, यहाँ से आपने क्या है सिक्स नेमिंग कर दिया। ये क्यू है, इसको मान लीजिए ये पी है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया सिक्स नेमिंग कर दिया, और यहाँ पर आपने क्या है सेवन नेमिंग कर दिया, और यहाँ पर आपने क्या है नेमिंग कर दिया एट नेमिंग कर दिया। समझ गए। अब मैं बताऊँगा कि हमारे पास टोटल एंगल कितने हो रहे हैं, एट हो रहे हैं। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट हो रहे हैं। वी क्लासीफाई दीज एट एंगल्स इन द फॉलोइंग ग्रुप बाई वर्च्यू ऑफ द पोजिशन दे ऑक्यूपाई इन द फिगर। अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन वी क्लासीफाई दीज एट एंगल्स। इन एट एंगल्स को अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन हम क्या करेंगे, इन्हें क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो आपके पास इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। ए बी एंड सी डी क्या हैं, दो लाइन्स हैं। एंड ए ट्रांसवर्सल एल एम, एंड आ ये एम है, आ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन एल एम, आ ट्रांसवर्सल लाइन एल एम डिटरमाइन एट एंगल्स, डिटरमाइन एट एट एंगल्स, डिटरमाइन एट एंगल्स, फोर एंगल्स एट पी एंड फोर एंगल्स एट क्यू, फोर एंगल्स एट पी एंड remaining four angles at Q। टोटल आपके पास एंगल कितना हुआ, आठ। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग हमारे पास आ गया कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग में समकक्ष। टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, टू एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर नोन एज, आर नोन एज द करस्पोंडिंग
corresponding angles. If both lie either above the two lines or below the two lines, if अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इफ बोथ दोनों लाइज, इफ बोथ लाइज इधर एबव द टू लाइंस और बिलो the two lines. कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एंगल वन और एंगल क्या है, फाइव है. अब इसमें दे रहे हैं एंगल वन और एंगल फाइव, एक लाइन ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ है और लाइन के ऊपर है, इनको कॉरस्पॉन्डिंग फाइव बोलेंगे. सेकेंड क्या है, एंगल फोर है और एंगल क्या आ गया, एट आ गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया. देखो ये एंगल फोर, ये लाइन के एक तरफ है और इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर क्या है, ऊपर है. ऐसे थर्ड आपके पास क्या है, एंगल टू है एंड एंगल क्या है, सिक्स है. देखो एंगल टू आपके पास कहाँ है, लाइन बिलो द लाइन इधर साइड ऑफ दिस, एंड ये बिलो द लाइन सिक्स. ऐसे आपके पास क्या है, एंगल थ्री है एंड एंगल आपके पास क्या है, सेवन है. देखो एंगल थ्री है और एंगल सेवन, ये लाइन के इधर साइड है और क्या है, बिलो द लाइन आर द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इनके कहते हैं आर द, ये पेयर हैं, आर द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पेयर हैं. अब हमारे पास आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट वैकल्पिक. अब आपको द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट इज एंगल थ्री एंड एंगल फाइव. अल्टरनेट पेयर है ये एंगल थ्री और फाइव. देखो ये थ्री अल्टरनेट, ये पैरेलल लाइन के इनसाइड में, ये थ्री एंड फाइव, ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है. एंड सेकंड है एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एट. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. अब हमारे पास क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल. अब आता है इसके बाद कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. अब कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड द, लिखो राइट डाउन, द पेयर ऑफ इंटीरियर्स, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, आर कॉल्ड पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. इधर देख लीजिए, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक तरफ की, जैसे आपके पास क्या है एग्जांपल एंगल टू और एंगल फाइव. देखो एंगल टू ये है, एंगल फाइव है, ये अंदर है, कॉन्सिक्यूटिव है, ये एक के बाद दूसरा एंगल आ रहा है, लेकिन ये इंटीरियर है, इन दो लाइन के अंदर है और ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ, तो द इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं. और पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, जैसे आपके पास क्या, इधर देखो एक साइड है थ्री, एंगल थ्री और एंगल क्या है, एंड एंगल क्या है, एट है.
तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉन्सिक्यूटिव है ये, कॉन्सिक्यूटिव क्या है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स आ गए हमारे पास। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पैरेलल लाइन, अब हमारे पास क्या होती है, लिखो, राइट डाउन, समझ गए आप, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन से संबंधित प्रॉपर्टी। पैरेलल कब होंगे लाइन, देखो जैसे एक लाइन ही है, देखो इधर एक एल है और एक दूसरी लाइन क्या है आपके पास, क्या एम है, दो लाइन पैरेलल होंगे एक दूसरे के एंड कभी नहीं मिलेंगे। टू लाइंस इन अ प्लेन दैट इज द कोप्लानर लाइंस हुज इंटरसेक्शन इज एम्प्टी आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। इंटरसेक्शन एम्प्टी में जिनको एक दूसरी लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन को कभी नहीं काटती है। भैया आप क्या है पैरेलल की डेफिनेशन क्या है इसकी, इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे आप, डेफिनेशन क्या है आपके पास, टू लाइंस इन अ प्लेन, मैंने ये क्या है, एक कागज जो है आपके पास क्या है, प्लेन में है, तो लिखेंगे टू लाइंस इन अ प्लेन, टू लाइन इन अ प्लेन दैट इज, कैसी लाइन है वो, दैट इज कोप्लानर लाइन, दैट इज द समतल में है ये कोप्लानर लाइन्स हुज इंटरसेक्शन, मैंने एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती, मैंने इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, हुज इंटरसेक्शन इज एम्प्टी आर सेट टू बी पैरेलल लाइंस। अब आपके पास कंसीडर टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी, सपोज मैं आपके पास क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, लेट सपोज कंसीडर टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, आपने कंसीडर कर दिया, एक लाइन क्या है, ए बी है और एक लाइन क्या है, सी डी है, और ये आपके पास क्या है, एक दूसरे को काट रही हैं, ये आपके पास एम है। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्या है, क्यू है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, जो भी प्रत्येक पेयर है कोरस्पोंडिंग एंगल्स के वो आपस में बराबर होते हैं। फर्स्ट क्या है, ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। भाई ये कॉन्सिक्यूटिव है, देखो ये वाला क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है, मैंने आपको पहले बताया था
देखो एंगल वन और एंगल फाइव आपस में बराबर होंगे। सपोज मैं इसे नंबरिंग करूँ, इसे वन बोलूँ, इसे मैं टू बोलूँ, इसे मैं थ्री बोलूँ, इसे मैं फोर बोलूँ, ये नंबरिंग आप कुछ भी कीजिए, इसे फाइव बोलूँ, इसे मैं सेवन बोलूँ, इसे मैं एट बोलूँ, ये इसे सिक्स बोलूँ, ये है मेरे पास। तो यहाँ पर क्या हमारे पास क्या है, देखो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल वन और एंगल फाइव के इक्वल है, एंगल टू और एंगल लाइन के नीचे और लाइन सिक्स इक्वल है, एंगल थ्री एंड एंगल सेवन इक्वल है। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब आपके अल्टरनेट क्या है, टू और एट इक्वल है, थ्री और फाइव क्या है, इक्वल है। थ्री और फाइव को इक्वल मानेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर में टू और फाइव का सम क्या होगा, 180, और एंगल 3 और एंगल 8 का सम क्या हो, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या हो, तो सप्लीमेंट्री का मतलब जब सम ऑफ टू एंगल्स का होता है 180 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो एंगल 3 और एंगल 8 का सम क्या होगा आपके पास, 180 हुआ। तो आपके पास क्या है, व्हेन टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय एनी ट्रांसवर्सल लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, उस केस में ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल मीन्स एंगल टू और एंगल फाइव का सम 180 सप्लीमेंट्री होगा, एंगल थ्री प्लस एंगल एट का जो सम होगा 180 होगा, और जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होंगे एंगल थ्री और एंगल फाइव और एंगल टू और एंगल एट आपस में बराबर होंगे, और जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इधर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंड अबव द लाइन एंगल फोर एंड एंगल एट आर इक्वल, एंगल वन एंड एंगल फाइव आर इक्वल, इधर साइड ऑफ बिलो द लाइन एंगल टू एंड एंगल सिक्स आर इक्वल, एंगल थ्री एंड एंगल सेवन आर इक्वल। तो थैंक यू, टुमारो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.2। लेकिन मैं आपके पास एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, इसमें अभी प्रूफ भी है इसका। मैं आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन फर्स्ट करा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए 6.2, एक्सरसाइज 6.2। इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज, इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल ऑफ सी डी। देखिए आपके पास ये फिगर है ए और बी, और दूसरा आपके पास क्या है, सी एंड डी ए, ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है। ये आपके पास क्या है, ये एक्स है, ये आपके पास 50 डिग्री है, और ये आपके पास 130 डिग्री है, ये आपके पास क्या है, वाई है। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है भाई। ये आपके पास क्या है, ये अगर पैरेलल लाइन होंगे तो ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, जो वैल्यू एक्स की आएगी वही क्या आएगी, वाई की होगी। समझ गए ना आप, एक्स और वाई क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, मीन्स इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वाई। अब आपके पास क्या है, देखो हमारे पास x एंड 50 फ्रॉम ए लाइन पेयर, देखो x और 50 के लाइन ए लाइन है, ये लीनियर पेयर बना रही है। तो सॉल्यूशन में क्या है, सिंस x एंड मैं एंगल का नाम लिख रहा हूँ 50 फ्रॉम बना रही है फॉर्म अ लीनियर पेयर, अ लीनियर पेयर, तो देयर फोर एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा भाई। लीनियर पेयर में सम कितने का हो, 180 डिग्री का होता है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास है 180 माइनस ऑफ 50, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आपको पता है जब वेन टू लाइन इंटरसेक्ट टूगेदर दैट केस एट ए कॉमन पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है।
आपके पास क्या है, देखो एक लाइन ये काट रही है, एक लाइन ये काट रही है, इसका मतलब आपके पास क्या होगा, वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास। देखो आपके पास क्या, ए लाइन काट रही है, सपोज ये आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास 130 आ गई, एक्स की वैल्यू 130 आ गई, तो आपके पास आप लिखेंगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की देखो वर्टिकल है, अपोजिट है, ये लाइन ऐसी काट रही है इस पॉइंट पर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130 डिग्री हो जाएगी। लेकिन आपके पास का अकॉर्डिंग टू दिस आप अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, x इजक्ल टू y इजक्ल टू 130 डिग्री, ये आपके पास क्या फाइनल सोल्यूशन होगी, ये वैसे भी आपके पास का अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो अब जाहिर सी बात है, जब x और y इंटीरियर एंगल, ठीक है, यार एंगल x इजक्ल टू एंगल y, जब अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, भाई जाहिर सी बात है जब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो लाइन क्या होगी, कौन सी लाइन, ए बी क्या होगी, पैरेलल होगी सी डी के। तो आपने यही प्रूव करना था कि लाइन ए बी और सी डी आपस में क्या है, प्रूव है। हमने क्या दिखाना था, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हमने इक्वल दिखाना था। हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की पहले प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है कि लाइन पैरेलल है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि लाइन पैरेलल है, बाद में प्रूव करना है। इसलिए हमने क्या किया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का हेल्प लेकर के हमने क्या किया है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब आपके पास क्या आ गए, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट देन अल्टरनेटिव इंटीरियर आर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल। थैंक यू वेरी मच।